स्वागत है आपका मेरे चैनल आंचल टेल्स में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपको दिखाऊंगी विंटर के कौन कौन से प्लांट मेरे गार्डन में फ्लावरिंग करना स्टार्ट कर दिए हैं। तो ये है हमारा, सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपने हाइब्रिड वाले भिंका से, जो कि हमारे यहाँ समर्स के टाइम में तो फ्लावरिंग नहीं करता है, प्लांट मर जाते हैं, बट अभी विंटर के टाइम में इस समय पे अक्टूबर नवंबर से इसकी बहुत अच्छी फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है। अभी दिसंबर हो रहा है और हमारे यहाँ ठंड बहुत ज़्यादा नहीं पड़ी है, तो अभी हमारे यहाँ अच्छे से फ्लावरिंग कर रहा है। ये देखिए, ये मैंने मिट्टी के गमलों में लगाया है अबकी बार, और आप देख सकते हैं मिट्टी कितनी सूखी है। तो बस विंका में आपको पानी का ध्यान रखना होता है, इसलिए मैंने इस बार इन्हें मिट्टी के पॉट में लगाया है। और ये छोटी सी पौध जो है ग्लाडिया की, मुझे रोड साइड से मिल गई थी तो मैं ले आई थी वहाँ से, और मैंने लगा दी और ये अच्छे से चल गई है। तो विंका में पानी कम दीजिए और समय समय पर इसमें फंजीसाइड का स्प्रे करते रहिए और पानी डालते रहिए फंजीसाइड का थोड़ा थोड़ा, बस विंका आपके ख़राब नहीं होंगे, चलते रहेंगे। और ये डॉग फ्लावर है, ये मेरा येलो में पिंक सा शेड आता है वो है, और एक दो ही फूल खिले थे जब मैं लाई थी, तो मैंने पिंच कर दिए फूल इसके सारे। अब देखिए जहाँ से पिंच करें हैं सब जगह से नई नई इसमें ग्रोथ हो गई है, तो बस अभी थोड़े दिन में ये कलियों से भर जाएगा और बहुत ही प्यारे हमारे डॉग फ्लावर खिल जाएंगे। इसकी पुरानी केयर के ऊपर वीडियो मेरी चैनल में है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं, मैं लिंक में भी उसका जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी। और ये कोलियस है मेरा, ये ग्रीन के ऊपर वाइट, सॉरी ग्रीन के ऊपर रेड कलर का, और अभी थोड़ी सी हालत इसकी ठीक ऐसी ही है, अभी थोड़ा मौसम और ठंडा होगा तो और अच्छे से हो जाएगा। और ये पौध जो मैं लेकर आई थी, मैंने आपके साथ शेयर करी थी, और इसकी पौध देखिए, मैंने ऊपर से इसकी पिंचिंग कर दी है, इसमें छोटी सी बर्ड बनने लगी थी। मैं पौध कई सारी लाई थी फ्रेंड, 5-6 पौध, लेकिन इसमें 2 ही पौध मेरी बची हैं, और कुछ मर गई थी गर्मी के मारे और कुछ कबूतर ख़राब कर गए थे। और ये देखिए, इसलिए ये डबल पेटल वाला पिटूनिया, और इसमें पर्पल से कलर का फूल खिलता है, एक ही फूल खिला हुआ था जब मैं लाई थी नर्सरी से, अब इसमें कई सारी बर्ड्स बन रही हैं। अब थोड़े दिन में ये भी जो है बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करने लगेगा, मैं आपको उसके अपडेट देती रहूँगी। बस धूप इनको पिटूनियास को अच्छी चाहिए। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये मेरा पिंक वाला पिटूनिया, और मैंने कबूतरों से और बंदरों से थोड़ा सा बचाव के लिए ये नेट लगवा दिए, पिजन नेट, तो अब थोड़ा सा मेरा बचाव तो हो गया है, कबूतर नहीं आ पाते हैं, और बंदर वगैरह भी पॉट फिर नीचे फेंक जाते हैं, तो फिर उसमें पॉट का भी पौधे का भी नुकसान होता था, प्लस अगर किसी के ऊपर गिरे, इस वजह से मैंने, आप देख सकते हैं, मैंने सारी ये पिजन नेट से कवर कर दिया है, और अमेजोन से ही मैंने ये नेट मंगाई है। तो अब थोड़ा सा क्या है, प्लांट सेफ हो गए हैं मेरे। और देखिए फ्रेंड्स, ये रेन लिली के अंदर अभी, आज दिसंबर की 12 तारीख है, और देखिए इसके अंदर अभी भी जो है बर्ड बन गई है, और इसका रीज़न ये है कि मैंने इसके अंदर जो मेरे पास स्टोर रेन वाटर था वो इसको 3-4 बार दे दिया, और देखिए उसी से इसके अंदर बर्ड बन गई है। और मेरे पास स्टोर रेन वाटर ख़त्म हो गया, अगर होता तो मैं इसको और देती रहती, इसमें और बर्ड्स बनती रहती। और यहाँ इधर बास्केट में एक मैंने डाइनथस लगाया है, ये डार्क रानी सा कलर होता है, मजेंटा सा कलर वो है, और ये भी देखिए इसने भी अच्छे से फ्लावरिंग अब धीरे धीरे स्टार्ट कर दी है। जैसे जैसे फ्रेंड्स सर्दी बढ़ती जाएगी, हमारे विंटर के प्लांट्स बहुत अच्छे से खिलने लगेंगे। और ये एक और रेड कलर का पिटूनिया बास्केट में पिटूनिया बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड्स, क्योंकि जैसे जैसे इसकी ये ब्रांचेस लंबी होती हैं और बास्केट में से लटकती हैं तो बहुत ही अच्छी लगती हैं। और बास्केट में लगाने का एक और बेनिफिट है कि इनको जितनी भी देर की धूप मेरी बालकनी में आती है, सुबह 7 बजे से लेकर 1 बजे तक पूरी धूप इनको मिल जाती है। और ये एक और बास्केट में मैंने वर्बीना लगाया है, ये इसकी हालत जब मैं लाई थी तो थोड़ा ऐसी थी, ये मजेंटा से कलर का है, तो मैंने अभी इसको इसलिए डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखा है, थोड़ा ऐसी जगह रखा है जहाँ थोड़ा इसको सनलाइट कम लगे, क्योंकि नीचे से इसकी सारी पत्तियाँ बर्न हो रही थी, बट ऊपर से इसमें अभी नई नई शूट्स निकल आई है, तो थोड़े दिन में ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा, फिर मैं इसको जो है बास्केट को हैंग कर दूँगी। ये अगर अभी इसको इस कंडीशन में 5-6 घंटे की धूप मिलेगी तो ये और मुरझा जाएगा, अब छाया में रखने से थोड़ा ठीक हो गया है। और ये एक हैंगिंग प्लांटर में मेरा देखिए रेड कलर का पिटूनिया, इसने अच्छे से फ्लावरिंग स्टार्ट कर दी है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मेरे पॉट की मिट्टी कितनी सूखी हुई है, तो विंटर के सारे प्लांट्स को हमको पानी बहुत कम देना है, क्योंकि ज़्यादा पानी देने से इनकी सबकी जड़ें गल जाती हैं और ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। एक रीज़न ये भी होता है, लोग कहते हैं हमारे विंटर के प्लांट्स हम लाए और ख़राब हो गए, तो आप उनको उसके लिए छोटे पॉट में लगाइए। छोटे पॉट में लगाने से आपको ये फ़ायदा होगा कि ऑलरेडी उसमें पानी कम ही जाएगा आपका, अब अगर आप पानी ज़्यादा भी देंगे तब भी उसमें पानी ज़्यादा स्टोर नहीं हो पाएगा। ये देखिए, स्पेंट फ्लावर्स को इस तरीके से पिंच करते जाएंगे, जितना पिंच करेंगे साइड साइड से नई ब्रांचेस निकलेंगी और उतना ही ज़्यादा इनमें फ्लावरिंग होगी। ये एक और डॉग फ्लावर है, और ये वाइट के अंदर पिंक सा शेड होता है वो है, इसके भी ऊपर से जब मैं लाई थी तो एक दो फ्लावर थे, तो मैंने वो बंच देखी यहाँ से कट कर दिया, और जहाँ से मैंने कट करा वहाँ साइड से नई नई काफ़ी सारी ब्रांचेज निकल आई हैं, और अब इनमें सब में कलियाँ बन जाएंगी, तो ये भी जो है पूरा पॉट भर जाएगा। पर्सलिन है मेरा येलो वाला, अभी कुछ दिन पहले तक इसमें फ्लावर खिल रहे थे, इसलिए मैंने इसको रखा हुआ। फ्रेंड्स, ये गुलदाउदी देखिए फ्रेंड्स, मैं 2 कलर की लेकर आई थी, और तब इसमें बर्ड्स बहुत छोटी छोटी थी,
लाए हुए मुझे हो गए हैं 10-15 दिन। तो अभी दोनों ही मेरी जो है एक ही सेम कलर की निकल आई हैं, मेहरून और रेड सा जो कलर होता है और बीच में जो येलो डॉट होता है। लेकिन देखिए ये फ़ायदा होता है कि आप जब ये वाली लाते हैं कलियों वाली, तो उसमें बहुत सारी कलियाँ बनी हुई होती हैं। और ये दो देखिए ग्लाडिया की पौध, और ये भी मैं रोड साइड से ही निकाल कर लाई थी, वहाँ पे शायद सीड स्प्रिंकल हो गए होंगे तो ये ग्लाडिया अपने आप निकल आता है, तो मैं वहाँ से निकाल कर लाई थी। और ये दोनों मेरे चल गई है, और अब इसमें देखिए बर्ड भी बन गई है, ये देखिए आप, और दूसरे वाले में भी बर्ड बन गई है। तो उसी एक ही पॉट में मैंने लगा दिए हैं ये दोनों। फ्री के प्लांट्स फ्रेंड्स अगर मिल जाते हैं और फिर जब वो लग जाते हैं और उसमें कलियाँ आती हैं तो एक अलग ही तरीके की खुशी मिलती है। और ये देखिए फ्रेंड्स, इधर ये मेरा राइट हैंड साइड का कॉर्नर बालकनी का, इस वाले कॉर्नर पे मेरे सबसे ज़्यादा देर तक धूप रहती है। तो यहाँ मैंने देखिए रखा है साल्विया, इस बार मैं रेड की जगह पर्पल कलर का साल्विया लेकर आई हूँ। ये ऊपर से देखिए मैंने इसको भी कट कर दिया था, एक छोटा सा बंच था जो कि स्पेंड हो रहा था जब मैं लेकर आई थी कलर के लिए। अब कुछ दिन बाद ही उसके देखिए, मैंने आपको बताया 12-14 दिन हो गए हैं, तो साइड से कितने सारे बंचेज और निकल आए हैं कट करते ही। फ्रेंड्स बालकनी गार्डनिंग करते हैं, देखिए जगह आपको पता है बहुत कम होती है, परमानेंट प्लांट्स भी रखे हुए होते हैं और वहीं हमें जो है ये सीजनल प्लांट एडजस्ट करने होते हैं। तो इसलिए मन तो बहुत था, तो रेड कलर का मैं हर बार लगाती हूँ, तो इस बार मैं सिर्फ इसलिए एक ही कलर का लेकर आई, पर्पल से कलर का। और ये देखिए फ्रेंड्स मेरी हाइब्रिड वाली पर्सलिन, सॉरी हाइब्रिड वाला पॉर्चुला का, ये अभी तक इतने अच्छे से फ्लावरिंग कर रहा है। ये मदर प्लांट नहीं है फ्रेंड्स, जो मैं अप्रैल में लेकर आई थी, ये उसमें से कटिंग ले लेके मैंने जगह जगह लगाई थी। तो अभी मैंने बास्केट खाली करी पिटूनियास के लगाने के लिए, तो मैंने ये छोटे वाले पॉट में इसको शिफ्ट कर दिया क्योंकि इसमें बर्ड्स बनी हुई थी। तो देखिए अभी इसमें सारी बर्ड्स फिर खिल गई हैं क्योंकि धूप इसको मिल रही है, और आप देखिए इसमें रोज़ 6-7 फ्लावर्स मेरे खिल जाते हैं और कई सारी बर्ड्स भी बनी हुई हैं। तो ये आप काम ये भी कर सकते हैं, अगर आपको अपनी हाइब्रिड वाली पर्सलिन को पॉर्चुलाका को सेव करना है तो आप उसके मदर प्लांट से कटिंग ले लेके अलग अलग जगह लगाते रहिए। मदर प्लांट तो कब का मेरा ख़त्म हो गया, बट मैंने कटिंग्स जो लगाई थी वो चल रही है। छोटा सा देखिए 4-4.5 इंच का पॉट है, और इन पॉट में लगाने में ये फ़ायदा है कि ये दो पॉट के ऊपर भी अच्छे से एडजस्ट हो जाता है, ये कहीं पर भी आप किसी बड़े पॉट के अंदर भी इसको रख सकते हैं, उसमें एडजस्ट हो जाता है। और ये देखिए कैलेंडुला, और आई थिंक शायद ये ऑरेंज कलर वाला निकलेगा क्योंकि इसकी बर्ड की शक्ल देख के मुझे लग रहा है ऊपर से कि ये ऑरेंज कलर का निकलेगा। तो दो एक दिन में बर्ड खिल जाएंगी, जब खिल जाएंगी तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी शॉर्ट में कि किस कलर का निकला है ये। संडे है तो आज मैं जाऊंगी नर्सरी, कुछ प्लांट्स लेकर आऊंगी, पेंजी वगैरह, पेंजी स्टॉक फ्लावर्स, बिगुनिया वगैरह, तो ज़्यादा नहीं सबका एक एक ही प्लांट लेकर आऊंगी क्योंकि रखने की जगह नहीं है फ्रेंड्स बिल्कुल। और ये देखिए गजानिया, ये पहले ही मैंने आपको दिखाया था कि बहुत ही गजानिया छोटे छोटे से थे, अच्छे हेल्दी प्लांट नहीं थे, मैं एक ही लाई थी, एक बार इसमें फूल खिल चुका है और दूसरा मेरी नेट नहीं लगी थी तो कबूतर ने इसमें बैठ बैठ के इसको और ज़्यादा ऐसा कर दिया था, बेचारा अब धीरे धीरे सर्वाइव हो रहा है। और इसमें अब देखिए दो बर्ड धीरे धीरे से बन रही हैं, तो धीरे धीरे थोड़ा ठंड जैसे पड़ेगी तो ये सर्वाइव कर जाएगा। और ये एक और पिटूनिया है मेरा, ये सिंगल पेटल में ही है और ये शायद स्टार पिटूनिया है, पर्पल के अंदर वाइट है, मुझे अच्छे से याद भी नहीं है। तो ये भी मैंने छोटे से 5-5.5 इंच वाले प्लास्टिक के पॉट में लगाकर दोनों गमलों के बीच में रख दिया है क्योंकि इनको धूप चाहिए, छाया में रखा था तो इनमें बर्ड्स नहीं बन रही थी, जब से धूप में रखा है तो बर्ड बननी स्टार्ट हुई हैं। देखिए ये एक और क्रैसेंथेमम मैंने आपसे कहा था, ये भी सेम ही कलर की निकली है। और क्रैसेंथेमम फ्रेंड्स वैसे तो बहुत अच्छा प्लांट है, बट मुझे थोड़ा कम पसंद इसलिए आता है कि एक बार फ्लावरिंग होने के बाद इसमें बस फिर ख़त्म हो जाती है, सेकेंड लॉट की फ्लावरिंग में तो बहुत छोटे छोटे से फूल निकलते हैं। ये एक और पॉर्चुला का, वही हाइब्रिड वाली, ये पिंक वाली है, ये भी मैंने बास्केट खाली करके छोटे से पॉट में शिफ्ट कर दी थी। तो ये कॉर्नर जो है कुछ इस तरीके से दिखता है फ्रेंड्स। और ये ऊपर हैंगिंग बास्केट में एक वाइट वाला पिटूनिया लगा हुआ है, भी इसके फूलों के साइज़ पूरे बड़े नहीं है, थोड़े छोटे छोटे ही खिल रहे हैं। ये एक और वर्बीना है, इसकी भी मैंने ऊपर से सारी कटिंग कर दी थी, ये जो है मजंटा से कलर का है, ये भी बहुत अच्छा लग रहा था तो काफ़ी सारे इसके अंदर बंच खिले हुए थे, मैंने कलर देख के ले लिया। अब इसमें दोबारा सेकेंड लॉट में फिर फूल आएंगे। तो फ्रेंड्स ये मेरा जो है कॉर्नर इस तरीके से लगता है। वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कीजिएगा। और ये देखिए आज ही गुड़ैल का फूल खिला है। फिर मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, और आज मैं संडे जाऊंगी तो नर्सरी से क्या क्या लेकर आई हूँ वो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूँगी। चलिए फ्रेंड्स बाय बाय।